नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। स्वागत है आपका वीकेंड चर्चा में। विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है, जिसके चलते यूपी की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। सरकार बनाने और सत्ता में आने के लिए दावों और वादों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो वही सियासत का सबसे आसान जरिया बन रही है बिजली। जी हाँ, दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार बनी, तब से फ्री कार्ड का खेल राजनीतिक दलों को समझ आया। अब दिल्ली के फ्री मॉडल की सुबुगाहट यूपी पहुंच चुकी है। बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियां फ्री बिजली का लॉलीपॉप लेकर जनता के बीच जा रही हैं। वहीं प्रदेश सरकार बिजली की दरों को लेकर हमेशा कड़ा रुख ही अपना रही है। ऐसे में सवाल ये है कि सत्ता में आने का सपना देख रहा विपक्ष फ्री बिजली का लालच दिखा रहा है, तो क्या कारण है कि फ्री देने की बजाय सरकार कम करने पर भी ध्यान नहीं दे रही है। जहां एक तरफ बिजली संकट मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टियां फ्री बिजली देने का वादा कर रहे हैं। कोयला सप्लाई की कमी से 8 बिजली उत्पादन इकाई बंद हो गई है, 20,000 मेगावाट वाली विद्युत इकाई बंद हो गई है। हाल ये है कि यूपी में बिजली की उपलब्धता 15,000 से 16,000 मेगावाट है, जबकि यूपी में बिजली की मांग 17,000 से 18,000 मेगावाट है, यानी 2,000 मेगावाट की कमी का सामना पहले ही हमें करना पड़ रहा है। सरकार ने 5 से 6 घंटे बिजली की कटौती के आदेश दिए हैं, जिसके बाद कई ग्रामीण और शहरी इलाकों में कटौती का दौर भी शुरू हो गया है। सरकार एनएचई एक्सचेंज से खुद 15 से 20 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीद रही है, तो क्या विपक्ष के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली देना संभव होगा? सपा ने लखनऊ में फ्री बिजली देने के पोस्टर लगवाए थे, तो वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया, वो भी 24 घंटे के अंदर, और किसानों की खेती के लिए तो पूरी बिजली ही फ्री कर दी। चलिए सुनाते हैं क्या दावा किया है मनीष सिसोदिया ने। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाएं, और उसके बाद हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल जीरो हो जाएंगे, मुफ्त हो जाएंगे। यानी कि 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल जीरो आने लगेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर, ये व्यवस्था कर दी जाएगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश का किसान बहुत दुखी है। उसकी फसल के दाम तो योगी सरकार ने बढ़ाए नहीं, लेकिन उसकी बिजली बहुत महंगी कर दी योगी जी की सरकार ने। तो आज मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से, उत्तर प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि आप सब मिलके आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए, और 24 घंटे के अंदर अंदर ये व्यवस्था कर दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान को खेती के लिए बिजली की कोई दाम नहीं देने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हर एक किसान के लिए खेती के लिए बिजली के बिल जीरो आएंगे, वो चाहे कितनी भी बिजली कंज्यूम कर रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। एक बीजेपी से प्रवक्ता राम हृदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, जो प्रवक्ता हैं आपसे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल तो बीजेपी से ही जाता है, जहां बिजली इतनी महंगी है, पेट्रोल डीजल गैस सभी के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं फ्री के चक्कर में जिस तरह से विपक्ष फ्री का लॉलीपॉप दे रहा है, कहीं सरकार ना बदल दे जनता, क्या कहेंगे इस पे? देखिए शिखा जी, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक भारत में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। 25 करोड़ की यहाँ आबादी है और यहाँ सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की जनता की महत्वाकांक्षाएं भी सबसे ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश में रात दिन श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी और आवास, गरीबों को राशन सब मिल रहे हैं और काम किया जा रहा है। जनता उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और आम आदमी पार्टी के किसी भी छलावे और बहकावे में आने वाली नहीं है। इनसे दिल्ली नहीं संभल पा रही है, यूपी क्या संभालेंगे? और ये कभी बिजली, पानी, सड़क की बात करते हैं और दिल्ली संभलती नहीं, यूपी की बात करते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी जो लोगों को, जनता को गुमराह कर रही है, बरगला रही है। ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है और यहाँ की जनता बहुत समझदार है, इनके झांसे में आने वाली नहीं है। राम हृदय जी, दिल्ली में तो सरकार बनी ना फ्री मॉडल पे। देखिए दिल्ली में सरकार बनी तो दिल्ली में इन लोगों ने क्या किया? वो सरकार कहाँ चला पा रहे हैं सुचारू रूप से? आप देख रही हैं किस तरह से वहाँ जाम की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो, तमाम वहाँ दिक्कतें आ रही हैं। चाहे अभी बरसात हुआ, पानी भर गया था पूरा, जो है कि पानी पानी दिल्ली हो गई थी। ये लोग देखिए, ये लोग एनजीओ चलाने वाले लोग हैं,
और ये ए, ए, ए नौकरी करके आने वाले हुए लोग हैं, नौकर से नेता बने हुए ब्यूरोक्रेट लोग, ये सरकार क्या चला पाएंगे? ये लोग धरना प्रदर्शन से आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, और देखा कैसे इन लोगों ने अपनी पार्टी को आज जो है कि पूरी की पूरी जो है कि एक पॉकेट की पार्टी को बना के रखा हुआ है। अच्छे अच्छे लोग इनकी पार्टियों को छोड़ के चले गए जी। तो उत्तर प्रदेश की जनता इनके छलावे और बहकावे में आने वाली नहीं है। यूपी की बिजली इतनी महंगी क्यों है, इस पे भी जवाब चाहिए। उत्तर प्रदेश की बिजली थोड़ा सा कोयले के संकट के वजह से महंगी थोड़ी सी हुई थी, कोयला खरीदा जा रहा था बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए, कोयले का संकट आया था, लेकिन योगी जी ने, माननीय योगी जी ने फिर मेहनत करके कोयला खरीदा और बिजली खरीद करके लोगों को उपलब्ध कराया, कहीं भी संकट का सामना नहीं करने दिया और उनकी जन भावनाओं का ख्याल रखा जी। क्या प्रीतपाल जी आपको मेरी आवाज आ रही है जी? तो जिस तरह से यूपी में बिजली इतनी महंगी है, गैस पेट्रोल हर तरफ महंगाई ही महंगाई है, जनता त्रस्त हो रही है, परेशान हो रही है, गरीबों पे महंगाई की मार पड़ रही है, क्या कहेंगे राम हृदय जी? देखिए गांव का गरीब जो है कि आज माननीय मोदी जी ने दीपावली से लेकर के होली तक 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासियों को 35 किलो अनाज जो है फ्री में देने का काम किया है, और किस तरह से उनके खाते में किसान सम्मान निधि 3000 रुपए आ रही है, और गांव गरीब किसान की यह सरकार है, और उत्तर प्रदेश की जनता श्री योगी आदित्यनाथ जी में, मोदी में विश्वास और भरोसा करती है। महंगाई बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ये बिल नहीं आएगा और हमारे दो का अनुपालन नहीं होगा, तब तक इस तरह की समस्याएं बढ़ेगी। रोजमर्रा की चीजें, लोगों की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है, आपूर्ति बहुत कम हो रही है, और जमीन बढ़ नहीं रही है, कोई रबड़ तो है नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है। पहले गांव में एक घर था, पूरे गांव घर ही हो चुका है, पहले लोग जो है कि शहर की तरफ भागते थे, अब गांव शहर होता जा रहा है। जब आपसे भी सवाल ले लेते हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रीतपाल जी। प्रीतपाल जी, जिस तरह से फ्री बिजली मॉडल की बात अब यूपी में भी की जा रही है, मनीष सिसोदिया ने बयान दिया था और कहा था कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, एक तरफ बिजली संकट मंडरा रहा है, थर्मल प्लांट ठप हो रहे हैं, प्रदेश में बिजली गुल हो रही है, कोयले का संकट देखने को मिल रहा है, तो ये मॉडल कैसे काम करेगा यूपी में? देखिए उत्तर प्रदेश की धरती पे शिखा जी 24,000 मेगावाट बिजली की कम से कम खपत है उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर जी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो पैदा कर पाती है वो 3,000 से 4,000 मेगावाट बिजली पैदा कर पाती है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद क्षमता की कमी है, कारण क्या है कि उनकी नियत में कमी है। जो 20,000 मेगावाट बिजली जो है वो अडानी अंबानी की कंपनी से खरीदती है, एनटीपीसी 2 रुपए 15 पैसे में राज्यों को बिजली देती है, मगर 14,000 करोड़ रुपए योगी सरकार ने बकाया कर रखा है कोयले का, तो इनको एनटीपीसी बिजली नहीं दे रही, जो सरकारी बिजली है सेंट्रल गवर्नमेंट की बिजली है जी। ये खरीद रहे अडानी अंबानी से 5 रुपए 90 पैसे में, नियत की कमी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जब 2013 में सरकार बनाई थी तब हम लोग का नारा था बिजली हाफ पानी माफ, हम लोग को ये नहीं पता था हम लोग करेंगे कैसे, मगर अरविंद केजरीवाल ने कहा था हमारी नीयत अच्छी है, नीयत अच्छी के साथ आएंगे और करेंगे जी। हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर पानी को माफ कर दिया, बिजली हाफ कर दी। आज की डेट में दिल्ली की हर एक जनता को करीबन 73% दिल्ली के जो आबादी है वो मुफ्त बिजली प्राप्त कर रही है, और दिल्ली के अंदर जो हम लोगों ने किया वो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग आके करेंगे तो 76% लोग यानी 2,75,00,000 उपभोक्ता है उत्तर प्रदेश में बिजली के, जिसमें से 2,30,00,000 लोगों की बिजली माफ होगी, और कहां से होगी? ये अच्छी नियत से होगी, हम लोग चोरी लेकिन रिसोर्सेज कहां से आएंगे? नियत से तो काम नहीं चलता है ना, रिसोर्सेज कहां से आएंगे? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का जो बजट है सालाना वो 5.5 लाख करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश का, और दिल्ली का जो बजट है 60,000 करोड़ का बजट है, तब हम लोगों ने फ्री बिजली कर दी, नियत की कमी बता रहे हैं मैं आपको बार बार जी। 5.5 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश का है तो 5.5 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें से 16,000 करोड़ रुपए, मात्र 16,000 करोड़ रुपए से हम इन 76% लोगों को बिजली मुफ्त देंगे जो 2,30,00,000 उपभोक्ता होंगे जी। ये योगी सरकार फ्री की आदत क्या सही रहेगी जनता के लिए? गरीबों के लिए तो सही है कि उनके पास इतना धन नहीं है कि वो अपना बिल चुका पाए या फिर इतनी बिजली का उपयोग भी करे, लेकिन गरीबों के लिए सही है, लेकिन जो लोग सक्षम है बिल देने में उन्हें छूट देना क्या उचित रहेगा? देखिए हम कह तो रहे हैं कि 2,75,00,000 उपभोक्ता है उत्तर प्रदेश के जी, हम लोग 2,30,00,000 लोगों को बिजली मुफ्त दे रहे हैं, बाकी उपभोक्ता वो है जो अपना 10-10 AC घर में लगा के बैठे हैं, कुत्तों को नहलाते हैं, अपने गार्डन में पानी डालते हैं, अपनी गाड़ियां धोते हैं, वो देंगे बिल, मगर जो जो गरीब है जो रोड के किनारे जूता सिल रहा है,
रोड के किनारे ठेला लगा के बैठा हुआ है, जो जनरल मंच वाला महिला में मोहल्लों में लोगों को सेवाएं दे रहा है, जो एडवोकेट साहब मोहल्ले में लोगों की सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर साहब मोहल्लों में सेवाएं दे रहे हैं, उनका बिल नहीं आएगा। ये आम आदमी पार्टी का प्रतिपाल जी, जो आपकी योजना है आम आदमी पार्टी की, तो उसके बारे में हम ये भी जानना चाहेंगे, जो सरकारी खजाने पे इसका असर पड़ेगा उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? मैं कह तो रहा हूँ 5.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट है, मात्र 16,000 करोड़ इसमें जो है लोग क्या विरोध नहीं करेंगे कि आप हमसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं? देखिए, जो लोग यहाँ पे वोट देने के बाद अपना विधायक सांसद बनाते हैं उनको 1 लाख यूनिट साल में बिजली मुफ्त मिलती है, तो क्या 300 यूनिट अगर महीने में उनको मिले 1,200 या 3,600 यूनिट, क्या वो साल के हकदार नहीं है? जो टैक्स पेयर है, जिसके टैक्स के पैसे से सरकारें चल रही होती है, उनके गाड़ियों के तेल चल रहे होते हैं, उनकी सायरन और सिक्योरिटी चल रही होती है, वो 1 लाख यूनिट मुफ्त प्राप्त कर सकता है विधायक सांसद। और जो देश के नागरिक, उत्तर प्रदेश के नागरिक, वो 300 यूनिट बिजली नहीं ले सकते, ये भाजपा की कौन सी गणित है? जी राम हृदय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जो सत्ता में आने को तैयार है, वो चाहे सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, वो फ्री बिजली देने को तैयार है, लेकिन जो सत्ता में है यानी कि बीजेपी, वो उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? सस्ती करने पे भी विचार नहीं कर रही है बिजली? देखिए शिखा जी, पहले पूर्ववर्ती सरकारों में समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के 5 जिले VIP हुआ करते थे जी, और इटावा से लेकर के रामपुर से लेकर के मऊ से लेकर के और किस तरह से इनके फिरोजाबाद से लेकर के मैनपुरी तक के 5 जिले इनके ऐसे थे जिनमें 24 घंटा बिजली दी जा रही थी, 70 जिलों में बिजली बहुत आपूर्ति कम दी जाती थी। आज उत्तर प्रदेश में 24 घंटा जिला मुख्यालयों पे बिजली दी जा रही है और ग्रामीण अंचलों में 16 से 18 घंटा और तहसील और जिला मुख्यालयों में 20 घंटा बिजली दिया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में 75 जिले में बिजली दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और सबका साथ सबका विकास सबके, पहले भाई साहब सुन लीजिए, पहले सबके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में सैफई का विकास नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बादलपुर का विकास नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी गांव जिले सबका विकास हो रहा है और सभी लोगों का विकास हो रहा है। पहले पूरी बात सुन लीजिए सरकार, पहले पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ आपकी बाजीगरी जादूगरी चलने वाली नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता आपको जान चुकी है। और बनारस में आपके माननीय केजरीवाल जी को बुरी तरह हरा के भेजा है, उत्तर प्रदेश में बनारस की जनता ने बुरी तरह मुंह की खा के गए केजरीवाल जी, यहाँ चलने वाला नहीं है आपका, यहाँ तीन तिकड़म आपका चलने वाला नहीं है। दिल्ली संभालिए, दिल्ली को देखिए, उत्तर प्रदेश के लोग आपको समझ चुके हैं, आपके किसी बहकावे में आने वाले नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता के सलाहों में आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही बनारस था, माननीय केजरीवाल जी माननीय मोदी जी के सामने चुनाव लड़े थे और क्या असर हुआ आप देख लीजिए। यहाँ कुछ होने होने वाला नहीं है, कहीं और प्रयास करिए, गोवा जाइए, पंजाब जाइए, वहाँ जाके टूर करिए, यहाँ कुछ मिलने जुलने वाला नहीं। बिल पे बात करने नहीं आए हैं हम, यहाँ बिजली पे चर्चा कर रहे हैं। प्रीतपाल जी मुद्दे पर रहिए। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, युवा सड़कों पे बैठे, मैं इको गार्डन में इस समय गिरफ्तार करके लाया गया हूँ। ये देखिए, ये प्रोफेसर हैं, इनको तनख्वाह योगी सरकार को देनी चाहिए। और एक तो 141 जो प्रोफेसर जो युवाओं को पढ़ाकर उनको शिक्षित कर उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए, वो यहाँ यूको गार्डन में यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश का मॉडल है, योगी सरकार ने बना दिया। ये देखिए क्या कहेंगे राम हृदय जी, 4.5 लाख उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने का काम योगी सरकार जी ने किया है, खुद लोकभवन में अपने हाथों से उनको नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। जो पहले की सरकारों में इटावा से लिस्ट बन करके आती थी, आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगा हुआ है और बिचौलियों और दलालों का बाजार खत्म हो चुका है और भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। सीधे युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, नौकरी दिया जा रहा है, एक पैसा कोई आज उनसे नहीं लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में किस तरह से सैफई और इटावा से और मैनपुरी से, बदायूं से, फिरोजाबाद से लिस्ट बन करके आते थे और वहां के लड़कों को रखा जाता था, अप्रति भर्ती में उनसे मोटा पैसा लिया जाता था। आज इस तरह का काम नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, सीधे युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम कर रहे हैं और लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। सब IIT करके यहाँ पे हमारे पीछे प्रोफेसर बैठे हैं, देख लीजिए ये सारे हमारे पीछे, मैं कैमरा घुमा के आपको दिखा रहा हूँ। मैं इको गार्डन में गिरफ्तार करके इस समय लाया गया हूँ, ये देख लीजिए सब मेरे पीछे युवा बैठे। आप कहता है 4.5 लाख लोगों को नौकरी किसको दे दी आपने?
70 लाख नौकरियां देने की उत्तर प्रदेश की भाजपा भारतीय जनता पार्टी 2017 में कहा था, तो 4.5 लाख नौकरियां तो पहले पता नहीं, ये युवा क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे भाई साहब? ये पीछे देखिए, मेरे यहाँ पे प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश की जो नागरिक उनको पढ़ाकर शिक्षित कर उत्तर प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं हम लोगों ने नौकरियां दे दी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, एजेंट है, इन लोगों ये घटनाओं के नेता है, इनके पास कुछ नहीं है, ये केवल घटनाओं की राजनीति करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको जानती है, ये दिल्ली नहीं है, ये घटनाओं के लोग है, अपने ही लोगों को बैठा करके और सरकार के खिलाफ अपने ही लोगों के खिलाफ इस तरह की बातें करते रहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ठोस आधार है। यही रहेगा आप लोग, और कोई मुद्दा नहीं है। यही करिए, बस यही करिए, यही करिए। आपके जी में माननीय संजय सिंह के जी में एक ही काम है, बस ये आपकी घटनाओं की बात करिए, घटनाओं की बात करिए, घटनाओं की राजनीति करिए, बस प्रतपाल जी आप लीजिए कांग्रेस करिए, मीडिया के माध्यम से बस यही है। और कहीं गांव न गांव में जाना है, न जमीन पे कोई जनाधार है, न कहीं बूथ पे संगठन है, न कोई आपसे न कोई यहाँ आपका मुख्यमंत्री का चेहरा है। आप समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी को आप जो है कि गुंडा राज लाना चाहते हैं, आप अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसने जिसने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज लाया, जिसने भ्रष्टाचार लाया, आप अखिलेश यादव जी के साथ खड़े, आपके नेता अखिलेश जी को जाके समर्थन करते हैं और जाकर के आपका आप जाकर के वहां बातें करते हैं, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री आप बनाने आए हैं, आपके पास में कोई एजेंडा है? आप मुद्दे पे आ जाएं प्रतपाल जी, इस पे हमने कल चर्चा करी थी, हम बिजली पे वापस आ रहे हैं, हमारा मुद्दा आज का बिजली का है। तो राम हृदय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नया नियम लाया जा रहा है कि कम बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ता का बिल बढ़ेगा, 80% पर बोझ आएगा, और इस प्रस्ताव के तहत 80% गरीब घरेलू उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सबको बिजली कनेक्शन देने का काम कर रही है और सबको बिजली देगी, और कहीं यहाँ बिजली का बिल बढ़ने वाला नहीं है, ना इस तरह की बातें अनर्गल बातें हैं, ये अफवाह फैलाई जा रही है, इस पर टोटल और टोटल राजनीति की जा रही है। ये आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं हुआ है, इनसे पूछिए इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? माननीय अखिलेश यादव है कि संजय सिंह है? कौन है कि केजरीवाल जी है? किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? किसकी सरकार बना? ये युवाओं को लेकर के बैठे हैं, इससे पहले बेरोजगार कौन बनाया? उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार क्यों बनाया? क्यों बनाया? यादव कुर्सी के चारों पहिए, कुर्सी कोई नहीं, चारों पहिए हिल रहे हैं, आपके पास कुछ बचा नहीं है, आपके पहिए हिल रहे हैं, अखिलेश जी के कंधे पर रख के आप बंदूक चलाना चाह रहे हैं, आपके पास कोई जनाधार नहीं है, आपके पास कोई ठोस आधार नहीं है, आप माननीय अखिलेश जी के साथ जाकर के उनके ऊपर आप जो है की राम हृदय जी रुक जाइए प्रतपाल जी, क्या सपा का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी तक आज की डेट तक अभी अकेले लड़ने का जो ऐलान किया था उसी स्तर पे हम लोग हैं जी। किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन अगर होगा तो मीडिया के माध्यम से आपको सूचना पर जिस तरह से दोनों पार्टियों की बैठकें हो रही, मिलना मिलाना हो रहा है, और दोनों ने एक ही चीज का, जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी पोस्टर लगवाए थे लखनऊ में 300 यूनिट फ्री बिजली, और मनीष सिसोदिया ने भी ऐलान किया, तो क्या इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर बात चल रही है जी। आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश लाना चाहते हैं जी। उन योजनाओं पे अगर हम लोगों का समझौता हो गया तो आम आदमी पार्टी आगे इसका समझौता करके चुनाव लड़ेगी। अभी इसकी कोई घोषणा नहीं, अभी इसमें बात चर्चा चल रही है, चर्चा हुई, अभी शुरुआत है। आप क्या कहेंगे राम हृदय जी, किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि दोनों एक है? देखिए, अभी आपने देखा कि कई बार माननीय संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, माननीय अखिलेश जी से मिल चुके हैं, माननीय नेताजी से मिल चुके हैं, और इन लोगों की अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है। ये सारे जितने लोग हैं, एक ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री को, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जनप्रिय एक सन्यासी को, एक योगी को, ईमानदार मुख्यमंत्री को हटाने के लिए
पूरे देश और प्रदेश के भ्रष्टाचार में लिप्त लोग, बेईमान लोग आज एक ईमानदार को उठाना चाहते हैं। देश की और प्रदेश की जनता योगी जी के साथ है। आज सारे, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे महानगल हो, चाहे कृष्णा पटेल जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, आखिर में क्यों एक ईमानदार से सारे लोग परेशान क्यों है? एक ईमानदार मुख्यमंत्री से जितने बेईमान भ्रष्ट लोग हैं जो अपनी सरकारों परेशान है, आज गठबंधन बना रहे हैं कि भैया किसी तरह हम लोग एक हो जाए, नहीं तो कल हम लोगों का खाता नहीं खुलेगा, नामो निशान नहीं बचेगा। योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता से घबरा करके ये लोग अपनी अपनी पार्टी का विलय कर ले समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में विलय कर ले। पार्टी बनाने से क्या फायदा जब गठबंधन कर रहे हैं? क्यों उठा रहे? क्या बीजेपी डर रही है सबके? बीजेपी किसी से नहीं डरती है, बीजेपी किसी से नहीं डरती है। बीजेपी को 3 करोड़ 41 लाख वोट मिला था और बीजेपी 4 करोड़ मेंबर बनाने जा रही है और बूथ पे बीजेपी लड़ रही है, रात दिन मेहनत कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सेंट्रल महामंत्री रात दिन बूथ पे, जिले में, विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे हैं और हमको जनता के ऊपर, कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा है। और फिर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ, सपने मत देखिए। प्रीतपाल जी, क्या बीजेपी को हराने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए आम आदमी पार्टी सपा के साथ गठबंधन कर सकती है, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं? आप क्या कहेंगे? देखिए, 2017 में जो सपना दिखाकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की धरती पे आई थी जी, लोगों ने बहुत बहुत उम्मीदों के साथ उनको वोट दिया था। उन्होंने कहा था बहुत ही महिलाओं पे वार, अब की बार भाजपा सरकार जी, नौकरियां देने की बात कही, किसानों को कहा मैं गन्ना किसानों का जो कर्ज है वो मुक्त कर दूंगा, माफ कर दूंगा, सड़कों को गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही, यानी कई कई वादों के साथ उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर 2017 पे इन्होंने काबिज किया जी। लोगों ने भर चढ़ कर इनको वोट दिया। उत्तर प्रदेश की जनता जो थी वो ठगा महसूस कर रही है आज की डेट में। महंगाई चरम सीमा पर है, 360 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए में मिल रहा है, जो पेट्रोल डीजल है वो चरम सीमा पे चढ़ा हुआ है, कड़वा तेल महंगा, अनाज महंगा, आलू महंगा, टमाटर महंगा, सब चीज महंगा। आज उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर लोग कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रयागराज के अंदर दलित परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, 700 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए। आज तक योगी सरकार जी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, मोदी सरकार ने एक बार भी ट्वीट नहीं किया। लखीमपुर के अंदर अजय मिश्रा टेनी जो 120 बी का नामजद उसके में मुकदमा लिखा हुआ है, वो गृह मंत्री के साथ उसके मंच के साथ मंच शेयर करता है, वहां से कहा जाता है कि दूरबीन से देखिए अपराधी नजर नहीं आते, बगल में अपराधी खड़ा हुआ अपराधी नहीं नजर आते। देखिए, उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर जिस सपनों को लेकर 2017 में भारतीय जनता पार्टी आई थी वो पूरी तरह से चूर चूर हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी को 2022 में कोई भी वर्ग वोट देने वाला नहीं है और बुरी तरह सा है। क्या कहेंगे राम हृदय जी, क्या सच में इस महंगाई की वजह से वोट नहीं मिलेगा, क्या सत्ता पलट जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, 1 करोड़ 41 लाख घरों तक बिजली श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पहुंचाया है, महिलाओं को 1,50,000 सरकारी नौकरी दिया है और होली तक 15 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के फ्री में 35 किलो राशन मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनने जा रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सामूहिक प्रयास और सामूहिक नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी की फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। राम हृदय जी, लेकिन अभी भी मुद्दे बहुत सारे हैं जिसपे काम करना पड़ेगा सरकार बिल्कुल, को बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। विपक्ष कई मुद्दे उठा रहे हैं, वो चाहे भर्ती के हो या फिर महिला सुरक्षा के हो, महंगाई का, और महंगाई इस वक्त आप देख सकते हैं हर तरफ है, वो चाहे आप सब्जी लेने जाए, चाहे तेल लेने जाए, पेट्रोल हो, डीजल हो, यहाँ तक की बिजली। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों बिजली में कटौती होती? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और बिजली पे ध्यान दिया जा रहा है, सरकार संवेदनशील है और गंभीर है, महंगाई को भी नियंत्रित किया जा रहा है, जो भी जमाखोर हैं, बिचौलिए हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और आम जनता के लिए और गांव गरीब के लिए किसान समर्पित है। और आप देखेंगे कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी दिन सड़पल जब से मुख्यमंत्री बने हैं, रात दिन 24 घंटा उत्तर प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहाँ 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार न गए, रात दिन काम कर रहे हैं और रात दिन जा रहे हैं, वहां की समस्या को अपनी समस्या मान करके और समाधान में
निरंतर लगे हुए हैं, जनता की शिकायतों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित ही श्री योगी आदित्यनाथ जी को ईमानदार मुख्यमंत्री निवारण तो कर रहे हैं, कई योजनाएं भी ला रहे हैं लेकिन वो सही लोगों तक पहुंच नहीं रही है, गरीबों तक योजनाएं सारी पहुंच नहीं रही है, बीच में ऐसे भ्रष्ट लोग अभी भी हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। नहीं नहीं सही है, एकदम बिल्कुल आपकी बात सही है, जो 10 साल का कुशासन सपा बसपा का रहा है और आज स्थितियां है जो 5 साल के रूप में हमको जो है कि एक बीमारू प्रदेश के रूप में सपा बसपा ने बना दिया था, आज योगी आदित्यनाथ जी स्वस्थ उत्तर प्रदेश को बना रहे हैं, समृद्ध उत्तर प्रदेश को बना रहे हैं और विकास कर रहे हैं, विकसित उत्तर प्रदेश को बना रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा फिर उत्तर प्रदेश की जनता श्री योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी और 10 साल का जो कुशासन है 10 साल में उत्तर प्रदेश की जनता इस समस्या का समाधान पाएगी। 10 साल की चुनौतियों का सामना 5 साल में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन चुनाव भी सर पे है, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता फिर दोबारा योगी आदित्यनाथ जी को जिताएगी और फिर आगे इनको अवसर देगी। क्या कहेंगे, क्या सच में आम आदमी पार्टी एक अच्छा विकल्प बन के आएगी जनता के लिए या फिर किसी के साथ विलय कर लेगी, क्योंकि जिस तरह से अभी रामहृदय जी ने कहा कि सपा और बसपा का शासन तो जनता ने देख लिया है, क्या आम आदमी पार्टी को लाना चाहेगी जनता, दिल्ली मॉडल देखने की बात। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रामहृदय जी ने हृदय से इस बात को स्वीकार कर लिया कि उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ की जो आबादी है वो फ्री का राशन लेने के लिए लाइन में खड़ी है। जी। यानी 24 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ जो है वो मुफ्त का राशन लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा पे आ गया है। बिल्कुल। आपने 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश को गरीबी की इस तरह इस कदर में खड़ा कर दिया कि उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ की जनता मुफ्त का राशन लेने के लिए लाइन में खड़ी है। राम हृदय जी ने हृदय से मान लिया। आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि आपको उत्तर प्रदेश की जनता वोट देगी, किस तरह का दावा आप कर रहे हैं सरदार? बिजली चरम सरदार जी, पूरे देश पेट्रोल सरदार जी, पूरे देश में आपके लंगर चलते हैं गुरुद्वारों में, तो इसका मतलब देश की जनता को खाने को नहीं आपके गुरुद्वारों लंगर में जाती है। भाई गुरुद्वारे की बात नहीं, देखिए जनता लाइन में नहीं लगी है, जनता तक राशन पहुंचाया जा रहा है। ये नानक जी के जो लंगर थे, गुरु नानक देव जी का जो लंगर था वो पूरे विश्व में चलाया। गुरु नानक जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसका मतलब क्या है, आज 15 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को लंगर के ऊपर भी टैक्स लगा, नहीं कोई टैक्स नहीं लगाया, मोदी जी ने टैक्स माफ कर दिया, कोई टैक्स नहीं लगाया। गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर किसानों के जो बिल थे उसको वापस कर लिया। आज उत्तर प्रदेश की जनता को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, लाइन में दिल्ली की जनता लगती है आपके यहाँ, और आपका मुख्यमंत्री दीवालों पे चढ़ जाते हैं, छत पे चढ़ जाते हैं, धरना देने लग जाते हैं सरकार चलाने की बजाय। आपके मुख्यमंत्री के बस का नहीं है दिल्ली संभालना, और उत्तर प्रदेश की जनता आपके बकाओं में आने वाली नहीं है। 15 करोड़ लोगों को राशन उनके घर तक पहुंचेगा और मिलेगा, जो बिचौलियों का रास्ता था वो खत्म हो गया। कहीं उत्तर प्रदेश की जनता लाइन नहीं लगा रही है, लाइन दिल्ली में लग रही है। लोग अभी भी मुफ्त का राशन लेने के लिए, कोई मुफ्त का राशन नहीं लेने के लिए, गरीब जनता का ही टैक्स का पैसा है, इस देश की जनता का पैसा है, कोई नहीं, उनके घर तक मिलेगा, उनको मिलेगा। और ये गांव गरीब किसान की सरकार, राम हृदय जी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान है, तो क्या ऐसा काम करेगी सरकार कि आने वाले चुनाव में कहीं ऐसा तो नहीं कि कम कर दिया, जितनी महंगाई बढ़ रही है सिर्फ चुनाव के टाइम पे कम कर दिया और बाद में फिर महंगाई बढ़ा दी सरकार बनने के बाद, आखिर ऐसा क्या प्लान लेकर आ रही है सरकार? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार महंगाई को लेकर के चिंतित है और सरकार चाहेगी कि महंगाई कम हो, और सरकार भी एक जनता का ही हिस्सा होती है, चुनी हुई जनता से सरकार बनती है और ईमानदार सरकार है और चाहेगी सरकार की महंगाई कम हो और लोगों को सही चीज सही दाम में मिले और सस्ते दाम में मिले, और कोई समस्या का समाधान सरकार करने में लगी हुई है और जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। अगर आप अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, फ्री मॉडल ला तो रहे हैं, लेकिन क्या इससे जनता को लाभ मिलेगा, क्या फ्री सेवाएं देना सही है जनता के लिए? देखिए, जनता से पैसा लेकर अगर जनता को कुछ राहत दे दे, मैंने बार बार आपसे कहा, सिखा दी, 5.5 लाख करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश का, उसमें से मात्र 16,000 करोड़ रुपए से हम लोग बिजली मुफ्त दे सकते हैं, बहुत छोटा सा अंश होता है 5.5 लाख करोड़ में से। नियत अच्छी होनी चाहिए, हम लोग चोरी व्याप्त है उत्तर प्रदेश की धरती पर, उसको हम लोग कम करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से सुधार करना चाहती है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और करके दिखाया हम लोगों ने दिल्ली में।
दिल्ली में हमारी नियत अच्छी थी, इसलिए बिजली मुफ्त है वहाँ पे, पानी मुफ्त है। जी प्रीतपाल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सुधार करना चाहती है आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बहुत छोटा सा आंसर चाहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर एक आम व्यक्ति को, पहले तो महिलाओं को सुरक्षा पर उस पर हम लोग काम करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, बुजुर्गों को सुरक्षा मिलेगी, लोगों को जो बिजली इतने भारी दाम देने के बाद वाराणसी में एक बेटी चिट्ठी लिखती है कि जो बिल आपने भेजा, मेरे पिताजी चोर नहीं है, बिजली की चोरी नहीं है, उनके पिता ने फांसी लगा ली, बेटी गुहार लगाती रही, मगर बिजली डिपार्टमेंट ने उनको बार बार बिल, बड़ा बड़ा बिल भेजती रही। कई ऐसे केस हैं उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर, लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। हम लोग बिजली मुक्त करेंगे, पानी मुक्त करेंगे, बिल्कुल। अब ये जनता फैसला करेगी कि आखिर किसकी सरकार बनानी और किस पे विश्वास करना है। जी बिल्कुल, उसकी कमाई, उसको जो पैदा की हुई जो अनाज, उसका उसका मूल्य उसको मिलना चाहिए, वो हम लोग देंगे। युवाओं को नौकरियां देंगे, जो यहाँ पे लोग खड़े हैं, ये जो खड़े हुए, जो जिनको 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 युवाओं को पढ़ाकर शिक्षित करके उत्तर प्रदेश की उन्नति में लगना चाहिए, इन लोगों को उस काम में लगाएंगे, इनको नौकरियां देंगे, ये आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की धरती को करेगी। हमारे पास समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। हमारे साथ राम हृदय जी बीजेपी से जुड़े थे और प्रीतपाल सिंह सलूजा जी आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। तो हमने आज चर्चा करी है बिजली पे कि आखिर इसके इतने दाम क्यों बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से विपक्ष वादा कर रहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, तो इतनी महंगाई के बाद जहां पे सरकार को कटौती करनी पड़ रही है, उसके बावजूद भी कैसे बिजली संभव कर पाएगी कि फ्री दे दे। तो तमाम सवाल थे जिस पे हमने चर्चा करी, और ऐसे ही कई जनता के मुद्दे हम आप तक लेकर आएंगे। और तब तक वीकेंड चर्चा में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।